जनपद रुद्रप्रयाग में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति न्यायाधीश सहदेव सिंह और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने शिविर में छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों और छात्रों का उत्साह देखकर बेहद प्रसन्नता हुई। वहीं उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस प्रदान करना है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए न्याय का सही समय पर मिलना जरूरी है। न्याय के प्रति आश्वासन नहीं मिलने पर अराजकता का माहौल बन सकता है। न्यायमूर्ति ने शिविर के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सराहना की। इसके साथ ही बहुउद्देशीय शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के प्रतिभाग करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज हमने प्रयास किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो ये आयोजन हुआ, जिला जज साहब की सरबराही के अंदर और सेक्रेटरी महोदय और डीएम साहब की पूरी सहभागिता रही और एसपी महोदय आए, और सबसे बड़ी बात कि कितनी जनता आई यहाँ पर, तो वो निसंदेह हमें इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि जनता जो है वो अपने हकों, अपने अधिकारों और न्याय के प्रति जो है सजग है, और निसंदेह हम जो है अपने देश को मजबूत और ऊंचाई पर ले जाने में सफल आएंगे।